गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब, इसमें 2 शर्तें हैं, पहला वास्तविक हो या दूसरा आभासी हो। तो हमें पता है कि पहला यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f-10 होती है, जो कि इस तरफ बनेगी, इसलिए हम माइनस करेंगे। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई माना h x हो या x सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई x डैश बराबर 2x, यानी कि यहाँ पर 2 गुनी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद वस्तु की दूरी कितनी रखी जाए, u बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यह ज्ञात करना है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो ये अवतल दर्पण है और फोकस दूरी f, या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर -10 है, डैश बटे h बराबर -v/u। यह माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण के इस तरफ इस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसके बाद इस सूत्र में मान रखने पर, यानी कि रेखीय आवर्धन में मान रखने पर, तो यह 2xx-v/vu, तो उसके बाद हो जाएगा v-2u। उसके बाद दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र हो जाता है 1/f = 1/v + 1/u, तो इस सूत्र -2u = 1×10, -u = 10/2, -u = 8, ऋण की धर पक्षांतर कर दे तो हो जाएगा u = -8 cm। अब यहाँ पर दूसरा शर्त है, जब प्रतिबिंब आभासी हो तब m = h/h = v/u, होने पर जाएगा 2x/x = v/u, तो v = 2u, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, तो इस सूत्र में अब मान रखेंगे तो 1/10 = 1/(u + 1/), उसके बाद जाएगा -1/10 = -1/2u, तो हो जाएगा उसके बाद -2u = -10×1, उसके बाद u = 10/2 हो जाएगा, u = 5 सेंटीमीटर।